तो खास हमने अभी क्या क्या किया इसमें, एक तो हमने पैनल के हिसाब से एलवीडीएस केबल को मैच किया, ठीक है। दूसरा काम हमने ये किया कि जो जम्पर है पावर के लिए उसको एज पर पैनल रखा, जो कि मेरी पैनल के हिसाब से मैंने मॉडिफिकेशन कर रखा है, तो इस पैनल में मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अगर जो आप 5 वोल्ट की पैनल यूज़ कर रहे हैं तो 5 वोल्ट पे आपका जम्पर रहेगा, तो सबसे ज़रूरी काम आपको ये करना है। थर्ड काम, आपका जो रिजोल्यूशन है वो रिजोल्यूशन आपको सेट करना था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि ए से जी जम्पर था जिसमें मैंने बी में जम्पर लगा दिया, जो कि अभी 1366/768 8 बिट हमने एलबीडीएस आउटपुट निकालने के लिए रेडी कर दिया इस बोर्ड को, और मैं इनपुट दे रहा हूँ वाया एचडीएमआई, ठीक है। सो आप शुरू करते हैं। तो इसमें अभी ज़रूरी क्या है, अभी पैनल में लाइट के बिना क्या पिक्चर आएगी, नहीं आएगी, तो हम इसमें लाइट दे देंगे, ठीक है। और फिर हम इसको इनपुट देंगे 12 वोल्ट सोर्स, कि हमें एडेप्टर यूज़ करना है, जो कि हम 12 वोल्ट का यूज़ कर रहे हैं, 5 एम्पियर 12 वोल्ट, ठीक है। और आपको इनपुट देना है, तो यहाँ ये जो एडेप्टर है ये पावर सप्लाई हो गया, ये जितने भी रेगुलेटर्स हैं ये हो गए पावर सप्लाई फॉर बोर्ड, ठीक है। जिसमें ये आईसी को हम अलग अलग वोल्टेज दे रहे हैं, जैसे कि 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, और रैम के लिए 1.8 वोल्ट। इस बोर्ड के हिसाब से 1.8 वोल्ट हम रैम के लिए दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो 12 वोल्ट है वो पहले रेगुलेट हो रहे हैं 6 पिन के रेगुलेटर के थ्रू, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जूम कर लो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 6 पिन का रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि 5 वोल्ट आउट कर रहा है इस कॉइल के थ्रू। और फिर बाद में सेकेंड रेगुलेटर जो है वो है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये 5 लैग का है, जो कि 1.2 वोल्ट आउट कर रहा है इस कॉइल के थ्रू, ये छोटी सी कॉइल जो फिल्टर के बाजू में है, ठीक है। सो ये हो गया 1.2, और एक रहेगा इसमें जो रेगुलेटर जो है वो 3.3 आउट करेगा, और एक रेगुलेटर जो 1.8 वोल्ट आउट करेगा, जो कि रैम सप्लाई है 1.8, और 3.3 जो है ये है इसकी मेन वीसीसी, और इसमें जो ये 1.2 वोल्ट की कॉइल से जो आउट हो रहा है ये कोर वोल्टेज रहेगा 1.2 वोल्ट फॉर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इस बोर्ड में आने वाले वोल्टेजेस इस प्रकार के हैं, जिसमें से 12 वोल्ट जो है हम एडेप्टर से जो दे रहे हैं ये भी पैनल सप्लाई में जा सकता है, अगर जो हम यहाँ जम्पर देंगे तो, ये अलग से जम्पर जो लगा हुआ है 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो 5 वोल्ट है ये 5 वोल्ट आउटपुट इसी कॉइल के थ्रू आ रहा है, जो कि 6 लैग मॉस्फेट के आउटपुट कॉइल के थ्रू, जो हम 5 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है, जो पैनल सप्लाई अभी यहाँ मिल रही है, ठीक है, जो कि इस मॉस्फेट के थ्रू स्विच होके आएगा। यहाँ पर एक मॉस्फेट है जो कि टिकॉन ऑन वोल्टेज इस आईसी से मिलेगा इस मॉस्फेट को, और ये यहाँ पर गेट पिन जो है वो 0 वोल्ट हो जाएगी, तो सोर्स पे आने वाले 5 वोल्ट जो है इस कॉइल के थ्रू आने वाले, जो कि ड्रेन के थ्रू आउट होके इस वायर के थ्रू यहाँ पैनल में पहुँचेंगे। तो ये हो गया वोल्टेज लाइन, ये हो गई सिग्नल लाइन, जिसमें 1366/768 रिजोल्यूशन का मैंने आउटपुट दे रखा है, जो कि यहाँ जम्पर के थ्रू मैंने सेट कर रखा है, ठीक है। सो अभी बाकी के हम वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर लगी हुई ये डीसी टू डीसी जो आईसी है वो बाकी के वोल्टेजेस निकालेंगे, जो पैनल के जरूरी वोल्टेजेस है, जैसे कि एवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल, वीकॉम। वीकॉम के लिए यहाँ सेपरेट आईसी है, यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि 16 वोल्ट इन लेने के बाद आउटपुट देगी 6 वोल्ट, ठीक है, जो कि ये आईसी से निकलेंगे। सो ये आपने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर डीसी टू डीसी आईसी काम करती है, अलग अलग वोल्टेज निकालने के लिए जो पैनल के लिए ज़रूरी है। अब हम टीवी स्टार्ट करके देख लेते हैं, और मैं हर एक कलर्स की जानकारी आपको देता हुआ जाऊँगा। अगर जो यहाँ पर एलवीडीएस में आने वाले कोई भी सिग्नल्स ना आए तो किस तरह का प्रॉब्लम आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। प्रोसेसर ने प्रोसेस करके जो सिग्नल्स जो कॉफ के थ्रू आउट करके जो डिजिटल
लैंग्वेज के जो सिग्नल्स बनाए वो परफेक्ट थे, इसलिए हमें पिक्चर देखने मिल रही है। अब हम इनपुट सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ रेड ग्रीन ब्लू जो कलर्स हैं मैंने आपको दिखाने के लिए दिए हुए, सो ये जो रेड ग्रीन ब्लू है जो कि रिवर्स में दिख रहे हैं आपको, पहले हम इसके सर्विस मोड को ओपन कर लेते हैं, मेनू 1147। अगर जो इससे ना खुले तो फिर आप दोबारा मेनू दबाएं और 8893 करके देखें, अगर जो इससे बिना खुले तो मेनू और 8896, ठीक है, इनमें से किसी एक से आपको मेनू खुल जाएगा सर्विस मोड। अब यहाँ पर आप देखेंगे पैनल कंट्रोल है, ठीक है, सो पैनल कंट्रोल पे आपको जाना होगा पहले पिक्चर को उल्टा सीधा करने के लिए, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ मिरर जो है वो सेकंड लास्ट है, मैं इसे ऑन ऑफ करके सीधा और उल्टा कर सकता हूँ, जो कि आप पिक्चर देख सकते हैं अब सीधी हो चुकी है। सो यहाँ पर तीन कलर्स जो आपको दिख रहे हैं वो रेड ग्रीन ब्लू के यूनिफॉर्म फॉर्म में मैंने सेट करके रखा हुआ है, जो कि मैंने इनपुट सिग्नल जो दिया है उसके हिसाब से आ रहे हैं। आप यहाँ HDMI केबल दिखा सकते हैं, सो HDMI से मैंने इनपुट जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती है इन कलर्स के साथ तो इमेज किस तरह की दिखेगी अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। रेड कलर नहीं होने की वजह से चेहरे देख सकते हैं आप, इसमें आपको शेड्स गलत दिख रहे हैं जो कि चेहरे के स्किन कलर चेंज हो गया। अब मैं जब रेड कलर दे देता हूँ माइनस, तो आप देख सकते हैं RX0 माइनस, अभी हम RX1 माइनस जो है वो देख लेते हैं, तो आप देखो कि यहाँ पर पूरी जो ग्रीन कलर्स हैं वो चेंज हो गए, और जब मैं माइनस को ठीक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये अब क्लियर हो गया। सो ये RX1 माइनस की प्रॉब्लम से आपको पिक्चर ऐसे दिखेगा। RX2 माइनस और प्लस दोनों ही अगर जो कोई केबल में गड़बड़ी हो तो आप देखेंगे कि पिक्चर गायब हो जाती है, और जैसे ही मैं सिग्नल दे देता हूँ तो पिक्चर आ जाएगी। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर RX क्लॉक जो है कुछ प्रॉब्लम है, इस अगर जो केबल आपकी डिफेक्टिव है तो भी आपका जो सिग्नल है वो ना आने की वजह से पिक्चर ब्लैंक रहेगी, सिर्फ बैकलाइट चलेगी जो कि आप देख सकते हैं बैकलाइट ऑन है, लेकिन पिक्चर जो है वो बंद रहेगी, और जैसे ही हम सिग्नल दे देंगे तो आप देखेंगे कि पिक्चर क्लियर है। RX3 प्लस और माइनस दोनों में ही आप देखेंगे कि मैपिंग जैसी प्रॉब्लम दिख रही है, और जब ठीक हो जाता है तो रास्ता रोक के दिखेगा। 0 माइनस की वैल्यू दिखा रहा हूँ आपको, तो ये माइनस होगा और 0 प्लस जो है वो आपको ऐसे दिखेगा, 1 माइनस जो है ऐसे दिखेगा, 1 प्लस इस तरह से, और 2 माइनस इस तरह से, और 2 प्लस इस तरह से। क्लॉक में अभी 3 के बाद बता देता हूँ आपको, तो फ्रीक्वेंसी माइनस जो है RX3 की वो इस तरह से, RX3 प्लस जो है वो इस तरह से। अब हम क्लॉक चेक करने के लिए इसको नैनो सेकेंड कर लेंगे, 50 नैनो सेकेंड, तो आप देखेंगे कि ये 50 नैनो सेकेंड कर दिया मैंने। अब हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो ये दिखेगी 75 मेगाहर्ट्ज़ की, जो आप स्क्रीन पर दिखा दो, ये 75 मेगाहर्ट्ज़।